वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और वृश्चिक राशि वालों भगवान से प्रे करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी को अपार धन संपदा देना, आप सभी को ढेर सारी खुशियां देना, ताकि जीवन में लगातार दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की होता रहे। प्रभु हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। वृश्चिक राशि वालों आज तुम्हें खुशी से रोना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 3 बजे के बाद जो परिवर्तन, जो बदलाव आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके दोनों आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं और 100% सही सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की यह भविष्यवाणी ब्रह्मा की लकीर के समान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद अनेकों प्रकार के बदलाव आपके जिंदगी में और आपके कुंडली में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, दुनिया का कोई भी ताकत इस घटना को होने से नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद जो होने वाला है वो होकर रहेगा। और याद रखना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और आपके भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि दोस्तों भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त दुख तकलीफ में हो, हमारा भक्त परेशानी में हो, कष्टों में हो। लेकिन कुछ समय के लिए परेशानियां आपको होंगी, लेकिन आपको अपने भगवान पर बिल्कुल उस बच्चे की तरह भरोसा करनी है। जिस बच्चे को आप हवा में उछालते हैं तो वो डरता नहीं है, हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ठीक उसी प्रकार आप अपने भगवान पर भी भरोसा कीजिए, भगवान भी आपको गिरने नहीं देंगे और ना ही कभी ठोकर लगने देंगे। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, भगवान उन्हें हर घड़ी कष्टों से बचाता ही है, लेकिन उन्हें अपार धन दौलत भी देता है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, परंतु दोस्तों यही सच है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर आज की यह वीडियो का निर्माण हुआ है। हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में प्रेम से जय माता दी जरूर लिखें। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको खुशी से रोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक साथ 5 बड़ी-बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आज आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भाग्य आज आपके 7वें आसमान में कदम रखेगा और भाग्य के देवता भगवान शनि देव जी आपकी जिंदगी में कोहराम मचाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद आपके घर कोई नए मेहमान का आवागमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और आज के दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगे और उन्हें पूरा करके ही दम लेंगे। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए
तरक्की दिलाने वाला रहेगा, आपकी किसी नए नौकरी की प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, अभी आपको कुछ समय पुरानी में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी आप नए कामों की शुरुआत करते हैं तो आपको उतना लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज आप पुराने में ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी नई संपत्ति की प्राप्ति का सौदा बहुत ही सोच समझकर विचार करके करें, नहीं तो आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी करने से आज आपको बचना होगा। आप किसी मित्र के साथ घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी बना सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकती हैं, जिन्हें परिवार के सदस्य द्वारा तुरंत मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी नए काम को लेकर समस्या आ सकती है, जिसे आपको सावधानी पूर्वक करना होगा। आपको परिवार में किसी सदस्य किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वह धन आज आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी बड़े निवेश को करने से बचना होगा, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में अपने धन को लगाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने धन को निवेश ना करें। जी हाँ दोस्तों, और बिजनेस कर रहे लोग उतार चढ़ाव के कारण थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आसानी से धन कमा पाएंगे। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप किसी कही सुनी बात हो सकती है, जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जिसमें आपको अपने सामानों की अधिक से अधिक देखरेख करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें, नहीं तो आपको शारीरिक कष्ट होने के कारण आपको उसमें समस्या होगी। जी हाँ दोस्तों, भाई बहनों से यदि आप बिजनेस में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकती हैं और ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आज आपसे मिलने आपका घर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको आज चारों ओर से खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने आस पड़ोस में हो रहे वाद विवाद में पड़ने से आज आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों किसी नए काम की शुरुआत आज आप कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी कानूनी में आप सावधानी बरतें, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा और आपने जो कर्ज लिया था उसे उतारने में आज आप सफल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपने किसी बचपन के मित्र से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने किसी नए निवेश की तैयारी कर सकते हैं। लॉटरी में धन का निवेश करने वाले लोग आज सावधानी बरतें। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को आज अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आपने पहले निवेश किया है तभी आपको लाभ होगा, नया निवेश के लिए आज का दिन उतना बेटर नहीं है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रही है। आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत उलझनों से भरा रहने वाला है। भाग दौड़ अधिक होने के कारण सिर दर्द, बदन दर्द आदि जैसी समस्या आज आपको हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है।
जी हाँ दोस्तों, वो आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस संबंधित कोई भी फैसला बहुत ही सोच विचार करके लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, बिना सोचे समझे आज आप कोई भी बड़ा फैसला ना लें, नहीं तो आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगल।